नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज राजस्थान की। और अब हम नजर डालने जा रहे हैं तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। राजस्थान के संभावित मुख्यमंत्रियों में बाबा बालकनाथ का नाम बार बार सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ योगी ने राजस्थान की अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से जीत हासिल की और विधायक के रूप में काम करने के लिए संसद की सदस्यता छोड़ दी। वह अलवर लोकसभा सीट से 2019 में भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए थे। वह रोहतक में स्थित नाथ संप्रदाय के मस्त नाथ मठ के प्रमुख हैं। बताते चले, बाबा मस्तनाथ मठ परिसर मुख्य दिल्ली रोहतक मार्ग पर हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ है। परिसर में बाबा मस्तनाथ के नाम पर एक निजी विश्वविद्यालय है जो कि BAMS, BPT, BCOM, BSc, BEd और अन्य सहित 35 पाठ्यक्रम संचालित करता है। बालकनाथ योगी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। बता दें, बाबा मस्तनाथ की समाधि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण सैकड़ों करोड़ रुपए के बजट में किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर की तरह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अनुसरण करते हुए किया जा रहा है। बताते चलें, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि किसी भी स्टाफ को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है। हालांकि मीडिया कर्मियों को अपने कैमरों के साथ मंदिर और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर में नाथ संप्रदाय के एक साधु ने बताया है कि मठ का गोरखपुर में उसी संप्रदाय के मठ से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, जिसके मुख्य पुजारी महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और संत ने कहा है कि बाबा गोरखनाथ लंबे समय तक गोरखनाथ मंदिर में रहे थे, इसलिए वहां एक मठ का निर्माण किया गया था। इस मठ का निर्माण 300 से 400 साल पहले किया गया था, जब बाबा मस्तनाथ यहां आए हुए थे। हर साल मठ में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के कई नामी गिनामी संत और राजनीतिज्ञ भाग लेते हैं। मठ के मुख्य पुजारी बाबा बालकनाथ मठ के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया है। आपको बताते चलते हैं कि उनका जन्म बहरोड़ तहसील के कोहराना गांव में एक यदुवंशी हिंदू परिवार में हुआ था। बालकनाथ योगी की जड़ें अलवर में गहराई से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने 6.5 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया है और अपना घर छोड़कर आश्रम में वे चले गए थे। बताते हैं कि कम उम्र में बाबा खेतानाथ ने उनका नाम गुरुमुख रखा था। वह 1985 और 1991 तक मस्तेंद्र महाराज आश्रम में रहे। उसके बाद वह महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावली थेरी गांव में एक मठ में चले गए थे। महंत बालकनाथ योगी की राजनीतिक के पारी को उनके गुरु महंत चांदनाथ, जो अलवर से पूर्व सांसद थे, उन्होंने आकार दिया था। अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए बालकनाथ योगी उनके उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा में बाबा मस्तनाथ मठ के प्रमुख बने थे। अब बता देते हैं कि बाबा बालकनाथ का राजस्थान में जोरों शोरों से बोलबाला नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ हो सकता है राजस्थान में आने वाले चुनाव में सीएम की गद्दी पर सवार हो सकते हैं। वैसे ये तो कहना अभी मुश्किल ही है, देखना होगा कि वह सीएम की गद्दी पर सवार होते हैं या नहीं। इसमें आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। नमस्कार।